नरेडको विदर्भ के सभी 11 जिलों में संचालित हुई है। स्टेट उद्योग में आने वाली परेशानी मुद्दों को हल करने के लिए नरेडको एक सेतु के रूप में कार्य कर रहा है। ऐसी जानकारी नरेडको के पदाधिकारियों ने प्रेस क्लब में आयोजित पत्र परिषद में दी है। राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद, जिसे नरेडको के नाम से जाना जाता है, नरेडको विदर्भ निकाय की स्थापना 31 मई 2022 में हुई है। नरेडको महाराष्ट्र ने नरेडको का विदर्भ के साथ संबद्धता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर नरेडको ने विदर्भ क्षेत्र में अपना नया अध्याय शुरू किया है। वर्ष 2022-2024 के लिए अपने संस्थापक गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों को WKD बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के घनश्याम ढोकने इन्हें नरेडको के संस्थापक अध्यक्ष एवं अगस्त बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बादल माटे इन्हें सचिव के रूप में चुना है। नरेडको के वाइस चेयरमैन डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी और राजन बांधलकर इनकी उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नरेडको के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन बांधलकर, नरेडको के महाराष्ट्र अध्यक्ष संदीप रुनवाल, निर्वाचित अन्य बोर्ड सदस्यों ने कोषाध्यक्ष के रूप में AAA ग्रुप के अमित अग्रवाल इन्हें जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं महालक्ष्मी ग्रुप के राहुल बोंद्रे इन्हें उपाध्यक्ष, तो नाइल ग्रुप के ब्रजमोहन तिवारी, मेहर इंफ्रास्ट्रक्चर के सचिन मेहर तथा भूमि क्रिएशन के अजय बोरकर और आनंद विश्व ग्रुप के अतुल श्री राव इन्हें उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं सचिदानंद रियलिटीज के पंकज ठाकरे, साई दुलारिया इंफ्रास्ट्रक्चर के विजय पाल एवं सिद्धि विनायक इंफ्रास्ट्रक्चर के कुणाल पडोले आदि को डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। तो वहीं सागर रतन और आशुतोष नाइक इन्हें संस्थापक सदस्य के रूप में चुना गया है। अमरावती कन्वेयर राजेश डागा, गढ़चिरौली कन्वेयर शैलेश थोरा ने वर्धा के लिए मोहन मानमोड़े आदि को कन्वेयर के रूप में चुना गया है। सलाहकार बोर्ड में एक्सीएल प्लानर के आर्किटेक्ट आलोक लुनिया, विश्व क्रिएटर प्राइवेट लिमिटेड आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट इंजीनियर किशोर मेहता, संदीप शास्त्री एंड एसोसिएट्स के अधिवक्ता संदीप शास्त्री और रेरा सलाहकार CA अभिनव वेलेकर आदि को सलाहकार बोर्ड में चुना गया है। नरेडको को विदर्भ चैप्टर विदर्भ के सभी 11 जिलों में संचालित होगा, जिसमें नागपुर, अमरावती, वर्धा, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यवतमाल, अकोला, वाशिम व बुल्ढाने का समावेश है। इस क्षेत्र के 300 से अधिक सदस्यों को लक्षित करेगा। यह रियल एस्टेट के अपने सभी सदस्यों को प्रभावी समाधान के साथ उनकी चिंताओं को दूर करने और एक मंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। साथ ही सरकारी अधिकारियों और रियल एस्टेट उद्योग के बीच उनके मुद्दों को परेशानी मुक्त हल करने के लिए एक सेतु के रूप में कार्य करेगा। नाबार्ड और ग्रामीण बिल्डर एसोसिएशन को नरेडको विदर्भ में विलय किया जा चुका है। ऐसी जानकारी BCN के समक्ष नरेडको के अध्यक्ष घनश्याम ढोक ने इन्होंने दी है। आइए देखते हैं। दर्शकों नमस्कार, इस समय में BCN की टीम प्रेस क्लब में, जहां पे नरेडको विदर्भ के ये तमाम मेंबर्स यहां पर मौजूद है। आखिरकार नरेडको के ये जो नरेडको है, इसकी स्थापना कब हुई और ये करने के पीछे का उद्देश्य क्या है, और आए दिन बिल्डरों पर जो एक बात होने जा रही है, जो बिल्डरों को न्याय नहीं मिल रहा, क्या उसकी वजह से ये नरेडको की स्थापना की गई है, क्या ये तमाम बातें हम जानेंगे इस समय में। आप देख सकते हैं कि ये तमाम महानुभाव इस समय में यहाँ पर पत्रकार क्लब ऑफ नागपुर में मौजूद है। हम मिस्टर घनश्याम ढोकले, जो कि प्रेसिडेंट है, उनसे जानना चाहेंगे। ढोकले साहब, ये पता कि जिस तरह से आज नरेडको जो कामकाज कर रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं और कितना फायदा आने वाले दिनों में इस समाज को और आप जैसे तमाम लोगों को होने जा रहे हैं? देखिए, नरेडको ये जो संस्था है, ये एक समन्वय कंज्यूमर, बिल्डर्स और गवर्नमेंट, इनके बीच का एक जो ब्रिज है, ये नरेडको ने उसको इस्टेब्लिश किया। और उसी ब्रिज के सहारे हम कंज्यूमर को भी न्याय दिलाना चाह रहे हैं, हम हमारे एसोसिएशन की जो मेंबर्स है, यानी जिनके बिल्डर्स की जो व्यथाएं हैं, उनको भी सॉल्व करना चाह रहे हैं, और गवर्नमेंट की जो हमारे से उम्मीद है,
उसको भी सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं। तो आप थे घनश्याम दोखले जिन्होंने बकवेर पेपर के साथ बात करते हुए यह बताया कि किस तरह से नरक का कामकाज रहने वाला है। पत्रकार भवन से कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मीर, बीसी न्यूज नागपुर। बाइट प्लस पीटीसी मीरे सर।